सिकंड में देहभान से परे जाकर विदेही स्थिति में स्थित हो जाए। अपने आप को देखे, मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप त्रिमूर्ति परमात्मा शिव की संतान, मैं आत्मा भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूं। जैसे शिव बाबा के तीन कर्तव्य है, स्थापना पालना विनाश, वैसे मेरे भी तीन कर्तव्य है। देखे अपने त्रिमूर्ति रूप को, ब्राह्मण रूप द्वारा मैं स्थापना का कार्य करता हूं। शक्ति रूप द्वारा विनाश का कर्तव्य करता हूं। जगत माता जगत पिता बन अपने महादानी वरदानी रूप द्वारा पालना करता हूं। अब चलते फिरते अपने तीनों रूपों की स्मृति, मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूं, तीनों कर्तव्य साथ साथ, ब्राह्मण रूप में सबको सत्य ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर मैं नई रचना रचता हूं। स्थापना का कार्य करता हूं। शक्ति रूप में अपनी सर्व शक्तियों द्वारा आसुरी संस्कारों का विनाश करता हूं। सभी कमजोरियों को, पुराने संस्कारों को खत्म करता हूं। देखे अपना शक्ति रूप, कोई भी पतित आसुरी आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे आते ही उसके आसुरी पतित संस्कार एक सेकंड में नाश हो जाते हैं।
महादानी वरदानी जगत माता जगत पिता के रूप में स्थित होकर बस एक दृष्टि से मैं अनेक आत्माओं को वरदानों की प्राप्ति कराता हूं। अपनी शुभ वृत्ति से सभी आत्माओं को सर्व प्राप्तियां कराकर उनकी पालना करता हूं। अपनी कल्याण की भावना द्वारा कल्याण की वृत्ति द्वारा सबकी पालना करता हूं। देखे अपना मास्टर पालनहार रूप अपनी पालना से कैसी भी अपकारी आत्मा भी उपकारी बन जाए। कैसी भी पतित आत्मा हो मुझ पतित पावन आत्मा की वृत्ति से पावन हो जाए। जगत माता जगत पिता के रूप में सबकी पालना करते हुए सहन शक्ति और समाने की शक्ति को धारण कर मैं सदा सफलता प्राप्त करता हूं। हर कर्तव्य करते समय सदैव अपने तीनों रूपों की स्मृति तीनों कर्तव्यों की स्मृति जैसी स्मृति वैसा स्वरूप जैसा स्वरूप वैसी सफलता। स्मृति सो समर्थ स्वरूप त्रिमूर्ति शिव बाबा के समान मैं आत्मा भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूं। इसी स्मृति में सदा रहकर मैं सफलता मूर्त बन जाता हूं। शांति।